भेंडकलच्या नाईट स्पर्धेमध्ये पाहिला होता. अगदी भन्नाट ज्याची फलंदाजी भेंडकलच्या नाईट स्पर्धेमध्ये केली होती ती खेळी करेल का? पंचांचा गेम ऑनचा इशारा. गोलंदाज सज्जोवीर समीर ओवर द विकेटनं. समोर असेल फलंदाज प्रयास कोहली. पहिला चेंडू रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय. रिव्हर्स झालाय सक्सेसफुल. क्षेत्र निवडलंय थर्डमॅन. चेंडू थांबणार नाही. चेंडू जाणार आउट ऑफ द पार. येणार ह्यूज हिट. चौकार. हिंदुत्वाचं रक्षण करून सुखात ठेवली प्रजा. ज्याने सुखात ठेवली प्रजा जाणता राजा शिवाजी माझा त्याचीच करावी पूजा असा जाणता येस. थँक्यू डीजे. निश्चितच कलम नव्हते कायदा नव्हता तरी सुखी होती प्रजा कारण सिंहासनावर होता माझा छत्रपती शिवाजी राजा. डीजे नितीनचं जेवढं कौतुक करावं ना तेवढं कमी आहे कारण की आजच्या रात्रीमध्ये ज्यांना प्रभावित केलंय पहिल्या चेंडूवरती प्रयासनं चौकार ठोकलाय. कुठंतरी समीर याला विचार करण्यास भाग पडलंय. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज समीर सज्ज असेल ओवर द विकेटनं. समोर फलंदाज असेल तो म्हणजे प्रयास ज्याच्या बॅटमधून आलाय चौकार. या विलर्सचा चेंडू पुन्हा एकदा स्लिप शॉट मारला. चेंडू जाणार लॉंग लेग सीमारेषे बाहेर. चौकार. येस. थँक्यू डीजे. सलग दोन चेंडूवरती दोन चौकार ठोकले ते म्हणजे गोलंदाज प्रयत्न. कुठेतरी आता समीर याला विचार करण्यास भाग पडले कारण की पहिल्या चेंडूवरती रिव्हर्स अटेम्प्ट केला होता. रिव्हर्स सक्सेसफुल झाला. त्याच्यानंतर दुसरा चेंडू पाहिला तर अगदी स्विप शॉट केला होता त्यामध्ये देखील फलंदाज प्रयास सक्सेस झाला आहे. दोन चेंडूवरती आले दोन चौकार. इथून मात्र आता विचार करावा लागेल गोलंदाज समीर याला. आज जर आपण करावे संघ पाहिलात ना तर निश्चितच केतन भोईरसारखा एक चांगला गोलंदाज मला वाटतं करावे संघामध्ये आहे त्याची कुठंतरी अनुपस्थिती दिसते. दोन चेंडूवरती ढोकले दोन चौकार. इथून मात्र थोडंसं क्षेत्रक्षणामध्ये बदल करतोय तो म्हणजे गोलंदाज समीर. तिसरा चेंडू घेऊन सज्ज असेल ओवर द विकेटनं. समोर असेल तो म्हणजे प्रयास ज्याच्या बॅटमधून आले दोन चौकार. सलग तीन चौकार येऊन या स्पर्धेतील पहिली चौकार हॅट्रिक प्रयास मारेल का ते पाहणं गरजेचं असेल. पुढचा चेंडू समीर याचा ओवर द विकेटनं. या विलेसचा चेंडू पुन्हा एकदा स्विप शॉट मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु तिथे मात्र टिपला जातोय झेल आणि ते संपतोय फलंदाज प्रयास याचा खेळ. चेंडू सीमारेषे बाहेर पाठवायचा होता परंतु तसं काही झालं नाही. मैदानामध्ये झेल पकडला गेला आणि प्रयास होणार बॅक टू द पॅव्हिलियन. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय सुजल घरत. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय. ज्या दोन चेंडूवरती दोन चौकार प्रयासनं ठोकले होते परंतु प्रयासला कुठेतरी स्वतःचा मोहा आवरता आला नाही. नवीन फलंदाज इनॅट थ्री तिसऱ्या क्रमांकावरती फलंदाज जातोय तो म्हणजे सुजंतर. त्याला विनंती असेल दोन्ही संघांना स्पीडअप करायचं आहे कारण की आणखीन बरेच सामने खेळवायचे आहेत. तीन सामने बाकी आहेत. जवळपास पावणे दोन वाजत आलेले आहेत. मित्रांनो आयोजकांना सहकार्य करा कारण की स्पर्धा भरवणं ही खायची गोष्ट नसते. त्याच्यामुळे आजचा पहिला दिवस आहे तर पण विनंती असेल की आपण जर आपला वेळ वाचवलात तर कुठंतरी लवकरात लवकर सामने उरकून होतील. फलंदाज डावखुऱ्यात हा फलंदाज देतोय सुजल घरत. तीन चेंडूचा खेळ संपला. तीन चेंडूच्या समाप्तीनंतर वहार संघाची धावसंख्या धावपळकर आहे ती म्हणजे एक गडी बाद आठ धावा. तर चला करावे संघ टाईम अलर्ट आहे आपल्यासाठी. जर चार षटकं 20 मिनिटांमध्ये जर पडली नाही तर पाचव्या षटकामध्ये आपला पॉवरप्लेच्या बाहेर असणारा एक क्षेत्ररक्षक हा 38 सर्कलमध्ये आणावा लागेल. ते मात्र क्वालिफाईड पंचांचा स्वरचा इशारा येतोय. अवांतर धावसंख्येत होईल वाढ. या एका धावसंख्येनं संघ पुढे सरकतोय एक बाद नऊ या धावसंख्येवर. नऊ धावसंख्या धावपळकर लागल्या. तिथून मात्र
समीरला कमबॅक करावा लागेल, कारण की जर पाहिलं ना तर प्रयासाने पहिल्या दोन चेंडूवरती दोन चौका ठोकले होते. यस मनीष, अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो पहले सत्र में आपको रन चाहिए. थोड़ी सी यहां पर बात करेंगे, पहले पावर में दो चौके आने के बाद दबाव डालने का यह प्रयास किया. एक क्लीन बोल्ड शायद हुआ था लेकिन बेल्स गिरी नहीं, इसकी वजह से ये शायद जीवनदान मिला होगा. यस अंपायर द्वारका, ठीक है, स्टंप पर तो गेंद लगी थी लेकिन बेल्स नहीं गिरी, यही था ना अंपायर? तो चलिए, ये होता है कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या ग्रामीण क्रिकेट हो, कभी कभी बेल्स पर लगकर स्टंप पर लगकर बेल्स गिरती नहीं और कहीं ना कहीं ये जीवनदान जो मिला है बल्लेबाज को. रन मिलेंगे तब तक दो बाईस का इशारा अंपायर का और इसी दो रनों की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 11 रन. मैच अच्छा होगा, नवी मुंबई की एक ताकतवर टीम है, कंचन स्मृति करावे, योगेश तांडेल और नवी मुंबई के ग्लेन मैक्सवेल, अलंकार तांडेल की इनकी ये टीम है. तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर उल्वे नोड की सबसे ताकतवर टीम प्रतीक पाटिल, यही प्रतीक पाटिल है दोस्तों विचुंबे यानी कि श्री शाहू वॉरियर्स विकी बाहू विकी शेट भोईर इनके टीम में ये खिलाड़ी था प्रतीक, जिसने दमदार किरण पवार को 3 छक्के दागे थे, वही आज वहाँ टीम की ओर से परफॉर्मेंस देने का प्रयास कर रहे हैं. गेंद व्हाइट बॉल है, लेग स्टंप से बाहर जाती हुई, अंपायर का ये व्हाइट बॉल का करार, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 12. मनीष, अगर इस तरीके का रन रेट चलता रहा ना तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रन अगर बन सकते हैं इस मैदान में. निश्चितच प्रवीण सर बरोबर करेंगे, जर आपण पाहिलं तर 64 धावांचा उच्चांक आहे, जर प्रति षटकामध्ये 14 ते 15 धावा आल्या तर कुठंतरी वाढ संघाचा उच्चांक होऊ शकतो या स्पर्धेमध्ये. यस यस डेफिनेटली, फिलहाल सुरुवात तो लाजवाब हुई थी लेकिन उसके बाद बात करेंगे ये पूरी तरीके से अब बैकफुट पर नजर आती हुई, क्योंकि ये विकेट गिरने के बाद दबाव रहता है बल्लेबाज के ऊपर. जड़ में डालने का प्रयास लेकिन इस बार भी लेग स्टंप छोड़ा इस गेंद ने, बैक टू बैक दो गेंदे वाइड, पहले पावर प्ले में ये थोड़ी सी महंगी गेंदबाजी, दो गेंदों के ऊपर दो बाउंड्रीज, उसके बाद विकेट, उसके बाद वाइड, डबल रन मिले, वाइड लगातार दो आते हुए, यानी कि खराब लेंथ से गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज कांचन स्मृति करावे टीम की ओर से. समीर, क्रिकेट है, क्रिकेट है, कभी भी बाजी पलट सकती है. यूट्यूब अगर आप खोलेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक गेंद में जब 6 रनों की जरूरत थी और सामने बल्लेबाज थे रिची मात्रे देसाई के, एक वो गेंदबाज ने 6 की 6 गेंदे वाइड डाली थी, यानी कि इतनी दहशत होनी चाहिए बाएं हाथ के बल्लेबाजों की. फुल टॉस बॉल, लॉन्ग ऑफ की तरह मिड ऑफ की तरफ खेला था, मिसफील्ड हुई है वहां पर मेरे ख्याल से योगेश तांडेल इनके द्वारा, तब तक 1 रन मिलेगा 1 रनों की मदद से. फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन. जब न्यू यंगस्टर सिद्धिविनायक वाल टीम की तरफ से समीर शेठ पाटिल, अमर शेठ पाटिल और स्वप्निल भाई पाटिल इनके ओर से आरआर ट्रॉफी जब खेली गई थी ना तब ये करावे टीम खेल रही थी, लॉन्ग ऑन की तरफ ऐसा कैच पकड़ा था ना योगेश तांडेल ने, अनबिलीवेबल वो कैच पकड़ा था, लेकिन इस बार उनके ही द्वारा ये थोड़ी सी खराब फील्डिंग नजर आती हुई और इसी 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ टोटल 14 रन. पावर पे की ये गेंद होगी मेरे ख्याल से आखिरी, महंगा ओवर अभी तक नजर आता हुआ और ये हथौड़ा जिसे कहा जाता है, ये हथौड़ा है वाल टीम का. स्वीप करना चाहते थे, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर नंबर पहला हुआ समाप्त और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 14 रन. न्यू यॉर्क सिद्धिविनायक वाल टीम डीजे. ओवर नंबर पहला मनीष समाप्त हो चुका और पहले ही पावर प्ले में भले ही 1 विकेट गवाया होगा लेकिन विकेट के साथ रन भी बहुत सारे बना है बल्लेबाजी करने वाली टीम न्यू यंगस्टर सिद्धिविनायक वाल टीम ने. आने वाले बल्लेबाज मुन्ना भी होंगे, काफी ताकत और बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. नन्ना मुन्ना जादूकर घनश्याम भी आप इस टीम में देख सकते हैं. बैटिंग लाइनअप तगड़ी है न्यू यंगस्टर सिद्धिविनायक वाल टीम की, लेकिन प्रतीक पाटिल जब तक मैदान में है तब तक यहां पर वाल टीम की ये बल्लेबाजी में बहुत दमखम है. गेंदबाजी में परिवर्तन, दुर्बल छोर से नवी मुंबई के ग्लेन मैक्सवेल जिन्हें कहा जाता है, अलंकार तांडेल एयरपोर्ट में बिल्कुल जॉब करते हैं और कम समय में ये आपने
कम समय क्रिकेट खेलते, ज्यादा बिजी रहते जॉब में, लेकिन पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर अंपायर ने इस गेंद को व्हाइट बॉल करार दिया। व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी हो चुकी है और इसी एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 15 रनों के ऊपर। गेंदबाजी के मार्ग पर अलंकार है और बल्लेबाजी की बात करेंगे, सुजल खरत ये भी अच्छे बल्लेबाज है, लगातार स्वीप करना चाहते हैं लेकिन संपर्क ठीक नहीं हो पा रहा है। देखिए आप जब स्वीप करते हैं, जब नटरा स्टाइल घूमकर खेल कर ये प्रयास करते हो ना, इसके लिए आपको शॉर्ट ऑफ लेन का इंतजार करना पड़ता है। अगर सटीक यॉर्कर भी गिरे तो कभी कभी कनेक्ट होता है गेंद बल्ले के ऊपर मनीष, और कहीं ना कहीं ये लगातार प्रयास आप देख सकते हैं सुजल खरत के माध्यम से वो कनेक्टिविटी परफेक्ट नहीं हो पा रही है और उसकी वजह से ये डॉट बॉल नजर आ रही है गेंदबाजों की ओर से। पहली गेंद वाइड, उसके बाद डॉट बॉल। ये संपार कुछ बातचीत होती हुई विकेटकीपर और अंपायर के बीच में। तो चलिए समय ना लीजिए, 25 मिनट में आपको बिल्कुल ये इनिंग्स समाप्त करनी है। 20 मिनट में तो पहले चार ओवर समाप्त करने, अगर 21वां मिनट में लगता है तो आपको एक खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर लाना पड़ेगा। दो ताकतवर टीमें उल्वेनोड की ये आप टीम देख सकते हैं, उल्वेनोड की वाहल टीम, दूसरी तरफ नवी मुंबई की ये ताकतवर टीम आप कंचन स्मृति करावे टीम। डॉट बॉल, गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज अलंकार, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज सुजल थोड़े से दबाव में नजर आते हुए, कहीं ना कहीं रन नहीं आ रहे उनके बल्ले से, और ऐसे हालातों में ये रन चाहिए न्यू यंगस्टर सिद्धिविनायक वाहल टीम के लिए। राउंड विकेट से आए थे, इस बार हुक करना चाहते थे, ये छोटी गेंद को भी नहीं कनेक्ट कर पाए। कभी कभी होता है कि आपके बल्ले से रन नहीं आते, ना तो सिंगल लेकर आपके साथी पार्टनर को आप स्ट्राइक दीजिए ताकि वो बड़े शॉट खेले, लेकिन यहां पर लगातार वो डॉट बॉल है ना वो बहुत ही निर्णायक बनेगी कंचन स्मृति 11 करावे टीम के लिए। फिर से एक बार अलंकार, ये भी छोटी गेंद थी, इस बार व्हाइट बॉल है, अंपायर का इशारा लेग स्टंप छोड़ती हुई। देखिए भगवत गीता में लिखा है जिस समय कोई समस्या ले जन्म लेती है ना उसी के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। तो चलिए वाइड और LBW और कट बिहाइंड के लिए कोई भी रिव्यू नहीं दिया जाएगा, इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अंपायर से ज्यादा बहस ना करें। इट्स अ वाइड बॉल कॉल, वाइड की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन। मनीष कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ये खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन, बीच में जो एक्स्ट्रा गेंदें आ रही है। निश्चितच जर पाहायला गेला तर करावे संघाची जर गोलंदाजी पाहायला गेलात ना प्रवीण सर, तर खराब चेंडू जास्त फेकलेत करावे संघाच्या गोलंदाजानं, अगदी समीर यानं 3 खराब चेंडू फेकलेत तर अलंकार तांडेलनं 2 खराब चेंडू फेकलेत, तब्बल 5 धावा या अतिरिक्त स्वरूपात आलेल्या आहेत। या विलर्सचा चेंडू अप्रतिम असा चेंडू होता, चेंडू स्वतःच्या फॉलोथ्रूमध्ये गोलंदाज अलंकार फील्ड करतोय, निर्धाव चेंडूची होते सांगता। तो यस डेफिनेटली मंच के ऊपर आप देख सकते हैं गार्गी एंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा और श्री शाहू वॉरियर्स विचुम में टीम, आप जिनकी रायगढ़ प्रीमियर लीग में देखते हैं और जिनके माध्यम से टू व्हीलर इलेक्ट्रिक बाइक इस मैन ऑफ द सीरीज के लिए टूर्नामेंट में दी गई है, उस सम्माननीय सुप्रसिद्ध बिल्डर विवेक शेट पुईर इनका आगमन हो चुका है। ये कैच ड्रॉप हो चुका है, कैच अगर लेते तो विकेट बिल्कुल जा सकती थी, लेकिन विवेक पुईर जब भी आते हैं ना तो हमें कमी होती है मुकेश भाई भगत कि उनका सचिन टिचकुले कहा गया, क्योंकि वो पूरी तरीके से इनके कलेजे का टुकड़ा है साथ में, क्योंकि वोडाफोन का और वो आइडिया का वो सिम है ना नेटवर्क वो बिल्कुल मिला है, अगर वो आइडिया का सिम गायब होता है ना तो नेटवर्क वोडाफोन का नहीं मिलता, ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। तो डीजे को भी हम गुजारिश करेंगे, स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन। प्रतीक पाटिल बिल्कुल खेलने के लिए तैयार, अभी तक शांत है उनके बल्ले से। रन की अगर चर्चा करेंगे तो टोटल एक भी रन नहीं निकला है, दबाव में बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 चौके निकले थे बिल्कुल बल्लेबाज प्रयास कोहली के बल्ले से, लेकिन प्रतीक को मात्र बांध कर रखा है, और जो प्रतीक मैदान के ऊपर खेल रहा है ना वही प्रतीक रायगढ़ प्रीमियर लीग में खेला था, और श्री शाहू वॉरियर्स विचुम्बे रायगढ़ विवेक भोईर जिन्होंने इस टीम को पैक किया गया था, और उसी टीम में ये प्रतीक खिलाड़ी था जिसने किरण पवार को आसमानी छक्के दागे थे। वही प्रतीक आज अपने गाँव की और से खेल रहा है, लेकिन थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी गेंद थी, पूरी तरीके से जड़ में डाला था, लॉन्ग ऑफ की तरफ इस गेंद को खेला है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक एक रन लेने का पर्याप्त समय था। इक्का दुक्का से काम नहीं बनेगा, अगर इस मैच में महज रन बनाने हैं तो बड़े शॉट की भी तलाश होंगी। ओवर की हुई समाप्ति और पहले 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 18 रन न्यू यंगस्टर सिद्धिविनायक वाहल टीम।
रही थी, पहले बल्लेबाजी उनके पक्ष में आई है और थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई शुरुआत नजर आ रही थी। पहले ओवर में रन बनाए थे 14, लेकिन इस ओवर में अलंकार तांडिल ने सिर्फ 4 ही रन दिए और रन बने हैं टोटल 18। बघा भूमी इलेवन करण, तुम्ही हा संघ जो पाहताय तो न्यू यंगस्टर वहाल जे टिटवाला कल्याण ग्रामीणचे अध्यक्ष जगन्नाना पाटील यांच्या माध्यमातून हा संघ पुरस्कृत केलाय, ज्यांची तुम्ही नाईटची देखील स्पर्धा पाहताय। ते जर यूट्यूबच्या माध्यमातून पाहत असतील तर जगन्नाना तुमचंही आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो। भरपूर मोठ्या मोठ्या संघांना, मग भूमी इलेवन धानिव असो, भूमी इलेवन मांडा संघ असो। तर चलिए प्रतीक होंगे तयार तीसरे ओवर की। पहली गेंद कुणाल तांडेल लेकर आएंगे, ऑन साइड में ढकेला इस गेंद को, मिड विकेट में डीप में खिलाड़ी योगेश है तैयार, फील्डिंग अच्छी है, थ्रो खराब है, इसकी वजह से रन मिलेंगे तो। और कितनी चालाकी दिखाई दो बल्लेबाजों ने, सामने से रन चुराए और इसी दो रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रतीक कुछ इशारा करते हुए अपने खिलाड़ी की तरफ, खिलाड़ी कक्ष की तरफ, कि बल्ला थोड़ा सा चेंज कीजिए, रन नहीं यहां पर है, क्योंकि अगर रन चाहिए तो शायद बड़े शॉट भी आने चाहिए। सागर मांडवकर आप देख सकते हैं आज पूरी तरीके से मेहमानों की पूरी तरीके से नवाजी करते हुए आज ठान ही लिया है कि कॉमेडी नहीं करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से 4 रात्रि की जिम्मेदारियां उनके कंधों के ऊपर होगी। मुकेश भाई का ड्रेस और सागर मांडवकर का ड्रेस आज पूरी तरीके से मिलता जुलता नजर आता हुआ, क्योंकि यह होता है कभी कभी पूरी तरीके से जिम्मेदारियां होती है। और मुकेश भाई की टूर्नामेंट बहुत ही बड़ी सक्सेस, हमेशा बड़े बड़े फिल्म स्टार, खिलाड़ी, मेहमान, राजकीय क्षेत्र में आपको सभी दिग्गज नेते भी देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि विवेक शेठ बोईर गार्गी एंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा, जिनके माध्यम से बिल्कुल 2-व्हीलर इलेक्ट्रिकल बाइक जिन्होंने पुरस्कृत की गई है। तो गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए कुणाल तांडेल 2 रन पहली गेंद के ऊपर। प्रतीक फिर से एक बार तैयार, ये शॉट पड़ा है, ये बड़े शॉट की तलाश थी, लेकिन देखेंगे क्या रोक पाएंगे, सीधा गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, यूजी 6 रन। आता जीवाला वाटतंय बर, आता जीवाला वाटतंय बर, भावा एक विमल खाल्ल्यावर, जीवाला वाटतंय बर, भावा एक विमल खाल्ल्यावर। चलिए कैमरामैन भी आप तैयार रहिए, क्योंकि काफी मूड में आ चुके हैं अभी सचिन टिचकुले। कैमरामैन तैयार रहिए, जैसे गाना बजेगा ना आप तैयार रहिए, एक भयानक चेहरा आप देख सकते हैं। तो 6 रनों की मदद से टीम का फिलहाल स्कोर बढ़ता हुआ आगे 26। मुकेश आपकी हम तारीफ जरूर करेंगे। एक और बड़ा शॉट, ये भी जाएगी सीधा वाइड स्लॉन्ग ऑन के ऊपर से, इट्स अ मैक्सिमम 6 रन। आप देख सकते हैं सचिन टिचकुले इनका ये डांस बिल्कुल बढ़िया हिट, 2 लगातार 6। मुकेश भाई आपका हम स्वागत इसके लिए करेंगे, आपके आयोजक भी है और खिलाड़ी अगर कोई इंजर्ड होता है तो तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स से आप बैंडेज लेकर उसकी पूरी तरीके से आप देखभाल भी करते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है टेनिस क्रिकेट में। 2 लगातार 6, क्या तीसरा आ पाएगा, बाहरी किनारा लगा है, कैच का ये संभावना जरूर थी, लेकिन थोड़े से दूर रहे अलंकार, माफ कीजिएगा खिलाड़ी थे वहां पर मेरे ख्याल से राजेश, लेकिन 1 रन मिलेगा। 1 रनों के साथ भूमि 11 न्यू यंगस्टर वाल टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 33 33 रनों के ऊपर। अंधेरे से घिरे हो तो घबराए नहीं, क्योंकि सितारों को चमकने के लिए घनी अंधेरी रात ही चाहिए, दिन की रोशनी नहीं। और कहीं ना कहीं आप देखिए पूरी तरीके से एक समय पहले तो ओवर में घिरी हुई थी टीम भूमि 11 न्यू यंगस्टर वाल टीम, लेकिन जैसे पारी का तीसरा ओवर चालू हुआ, तीसरे ओवर में प्रतीक पाटिल जैसे दमदार बल्लेबाज ने यह धमाकेदार शुरुआत नजर आती हुई। मनीष, इस निश्चित जर आप पाहायला गेलात ना तर कुठेतरी 2 षटकांमध्ये अडकलत होता वाल संघ,
तदनंतर जे आलेले दोन षटकार यावेळेस काय झालंय, फर्निचर केलं डिस्टर्ब, यू मिस, आय विल बी डेफिनेटली लेट, फलंदाज होईल सुजल त्रिपलाजित बाद. कोबरा साउथ अफ्रीकन कोबरा, लेकिन ये इंडियन कोबरा है जो डसने के बाद पूरी तरीके से खतरनाक साबित हो सकता है. कितना ये सुमधुर डांस आपने देखा. सचिन टिचकुले जिनका नाम सुनते ही भाग दौड़ मच जाती है, क्योंकि कहते हैं कि दोस्तों नाम कमाने के लिए पूरी तरीके से मेहनत करनी पड़ती है, और सचिन टिचकुले आज पूरी तरीके से आप देख सकते हैं. जूनियर मिलिंद शिंदे नहीं नहीं नहीं, सचिन टिचकुले इज अ ब्रांडेड. आनंद शिंदे यांचे शागिर्द, खरंत ना केस कापलेत म्हणून तुम्हाला ओळखीचे ना वाटले, परंतु गेल्या वर्षी तुमची हेअरस्टाईल जर दाखवली असती त्यांना तुम्ही पाहू शकाल. आनंद शिंदे यांचे शागिर्द सचिन टिचकुले तुम्ही पाहू शकाल स्क्रीनवरती, लाईव्ह स्क्रीनवरती पाहू शकाल. कसं स्मित असते बघा, लाजला थम मी ते दाखवत असताना गोलंद असतं यार. ऑन साईड मी केले का प्रयास जरूर किया था, लेकिन चलिए डॉट बॉल की समाप्ति. आप समय हमारे पास कि जितना भी हो सके आप बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं सचिन टिचकुले. सचिन टिचकुले साठी गेल्या वर्षी 6 लाख व्ह्यूज त्यांच्या व्हिडिओ साठी तुम्ही पाहिलं. सलाम आहे. संघाची धावसंख्या पोहोचले ती तब्बल 33 या धावसंख्येवरती. लक्ष्मीकांत बेर्डे पाहिलात आम्ही, अशोक शराफ पाहिलात, परंतु आज तुम्ही सचिन टिचकुलेला पाहू शकाल. तो अलंकार तांडेल गेंदबाजी के मार्ग पर 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 33 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर. पहली गेंद बिल्कुल छड़ में डालने का प्रयास, बॉलर के सर के ऊपर से खेला इस गेंद को वी शेप में. लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आकर गेंद को उठाए फील्ड करे तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था, और इसी 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 34-34 रन. विकेट फिलहाल गवा चुकी है अब तक 2 बल्लेबाज आउट होने वाले आप देख सकते हैं, प्रयास कोहली और उनके साथी पार्टनर सुजल गरत, ये 2 बल्लेबाज मैदान से बाहर लौट चुके हैं. आगे आकर खेलने का प्रयास, स्वीप करना चाहते थे इस गेंद को लेकिन बल्ले और गेंद का ठीक से संपर्क नहीं हुआ, डॉट बॉल की समाप्ति. देखिए अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव नहीं. अनुमान केवल आपके मन की संकल्पना है, और अनुभव जीवन में सीखी गई एक महत्वपूर्ण कला है, और उसी अनुभव के साथ अलंकार गेंदबाजी करते हुए. छोटी गेंद थी, स्क्वायर लेग की तरफ खेला है, फील्डर खड़ा है वहां पर, बल्लेबाज होंगे आउट, और बल्लेबाज के पारी का हुआ खात्मा. आकाश करत बैक टू द पवेलियन. स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 34 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर. स्क्रीन के ऊपर लगातार आनंद शिंदे इनके शागिर्द सचिन टिचकुले इनको आप देख सकते हैं, और साथ में है महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध बैलगाड़ा मालक यानी कि हेमंत भगत, इनको भी आप देख सकते हैं. और विवेक शेटभोर इनके तालीम में अगर पले होंगे ना तो बिल्कुल आप बिल्कुल पूरी तरीके से आनंद ही ले सकते हैं, क्योंकि जितना टेंशन आपको होता है ना उससे टेंशन दूर करने की ताकत विवेक शेटभोर में है. राउंड द विकेट से बॉलर तैयार अलंकार तांडेल.
अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ आई थी, LBW की अपील की गई थी, लेकिन बल्ले पर लग कर ये गेंद सीधा उनके पैरों पर टकराई थी, उसकी वजह से अंपायर ने उसे तुरंत कॉल किया। ये नॉट आउट का इशारा है, कोई रन नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति। वैक्यूरेट गेंदबाजी के साथ, लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी इस ओवर में, क्योंकि अलंकार तांडेल ने पहले ओवर में अपने खर्च किए थे 4 और ये सेकंड स्पेल उनके नाम पर आता हुआ अभी तक 4 गेंदों में 1 रन खर्च किया उन्होंने। तेज बॉल, बिल्कुल पूरी तरीके से डॉट बॉल की समाप्ति, आखिरी गेंद बची है, क्या हो गया? 3 ओवर में 33 बने थे लेकिन पूरी तरीके से, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरी तरीके से रोक कर रखा है, क्योंकि प्रतीक को स्ट्राइक लेना बहुत जरूरी होगा। यह भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, डॉट बॉल की समाप्ति, और देखते देखते ओवर नंबर 14 हुआ कंप्लीट, और पहले 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 34 रन। 2 ओवर में अलंकार ने रन खर्च किए सिर्फ और सिर्फ 5 रन। समय आपके पास डीजे का, तब तक डीजे के साथ देखते हैं सचिन टिचकुले का एक धमाकेदार डांस। डेंजर था ये, सबसे डेंजर पोपट, खतरनाक पोपट ये था, इनके पंख भी काफी डेंजर थे, लेकिन हाथ में ये जो पकड़े ना वो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। तो बिल्कुल चलते हैं मैच की तरफ, अंतिम स्लॉग ओवर पारी का, प्रतीक को जितनी गेंदे हो सके वो खेलने होंगे। श्री शाहू वॉरियर्स विचुंबे रायगढ़, विवेक भोईर जिन्होंने रायगढ़ प्रीमियर लीग में टीम पैक की थी उसमें एक खिलाड़ी था, जो बल्लेबाजी वहां पर की थी वही बल्लेबाजी करनी होगी। स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, पैरों पर डाली थी गेंद, रन नहीं लेना चाहते, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। प्रतीक ने अब तक गेंदे खेली है मेरे ख्याल से टोटल 9, उनमें से 3 गेंदे डॉट के लिए, 2 छक्के, 2 सिंगल, 3 सिंगल्स, 1 डबल्स, और अभी तक नाबाद 17 रनों के ऊपर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये मनीष चिरलेकर हमारे साथी स्कोरर जानकारी देते हुए, एक्यूरेट स्कोरिंग बिल्कुल आपकी नजर आती हुई। गेंदबाज तैयार, शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, डीप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी तैनात है, इस बार भी नहीं रन लेना चाहते हैं, भरोसा अपने आप के ऊपर रखना चाहते हैं। कहते हैं कि बाज अगर 4 दिन आसमान में ना उड़ने से आसमान कभी कबूतरों का नहीं होता, और कहीं ना कहीं ये जो गेंदे डॉट निकाली है ना, ये डॉट गेंदे निकालने के बाद पूरी तरीके से अब दबाव नजर आता हुआ। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास शुरू किया था, 1 रन कंप्लीट, फील्डर है तैनात, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। क्या किया, जो रन लेने चाहिए थे वो आप भी ले सकते थे, लेकिन 2 गेंदे आपने डॉट के लिए रन नहीं लिए, क्योंकि क्रिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्रिकेट में आपको 1-1 रन, 1-1 डॉट बॉल बहुत ही जरूरी होती है। और कहीं ना कहीं यहां पर लंबे समय का, यानी कि 2 गेंदों के बाद तीसरी गेंद के ऊपर सिंगल आती हुई, टीम का टोटल स्कोर है भूमि 11, सीधा न्यू यंगस्टर वाल टीम का 35। ऑन साइड में खेला है, स्क्वायर की तरफ फील्डर मौजूद है, फील्डिंग अच्छी है, तो टीम का टोटल स्कोर 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ है 36। पहला मुकाबला मीत 11 मोह टीम ने जीता है, और लगभग चित्र आप स्पष्ट हो चुका है कि बीसी पाटिल कैलाशवासी, बीसी पाटिल 11 ना बापदेव पाली टीम को मेरे ख्याल से बाय लगभग तय हो चुकी है। शॉट बड़ा ऑन साइड में, ये बड़े शॉट की तलाश है, और सीधा फेंक दिया कॉमेंट्री बॉक्स में, सीमा रेखा पार, 6 रन। की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 42। ये भी छोटी गेंद है, इसी 6 रनों के साथ मुकाबले में बना दिया है बिल्कुल भूमि 11 न्यू यंगस्टर वाल टीम को, और इसी के साथ 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है 48, जीतने के लिए 30 गेंदे और 49 रनों की आवश्यकता दी जाए। मंगाता आता जीवाला वाटतंय बरं।
पट उड़ाला चिमनी उड़ाली भूर काहीतरी झाला पाहिजे। तर विजयासाठी 30 बॉल आणि 49 धावांची गरज। रिपीट डीजे वन्स मोर डीजे यस डीजे तर मीत 11 मोह संघाचे कर्णधार आणि आयान शुभा स्पोर्ट्स 11 नांदगाव संघाचे संघनायक आपण टॉस करण्यासाठी लगेच या। तर तिसऱ्या फेरीमध्ये बी सी पाटील 11 बाबदेव पाली संघ क्वालिफाय झाला कारण त्यांच्या सर्वाधिक धावा होत्या, त्याच्यामुळे सेकंड राऊंडची पहिली मॅच असेल आणि सेकंड राऊंडचे सामने हे 4 षटकांचे असतील, माफ करा 3 षटकांचे असतील। हेमंत भगत यांच्या माध्यमातून डिसिजन घेतला कारण मगाशी कार्यार्थनं 5 षटकांचे सर्व सामने केलेले, काही जणी उल्लेख केला की 4 षटके होते परंतु हेमंत यांनी सांगितलं की पहिल्या राऊंडचे सर्व सामने कंपल्सरी 5 होतील प्रत्येक संघाला सेम आणि पुढच्या राऊंडमध्ये सर्व सामने हे 3 षटकांचे असतील। तर मीत 11 मोह आणि आयान शुभा स्पोर्ट्स 11 नांदगाव दोन्ही संघाचे संघनायक टॉस करण्यासाठी यावं। बिल्कुल, तो पहला पड़ाव खत्म हो चुका और ऐसे हालात में जब अभी उत्तरार्ध के लिए मैच को शुरुआत होने जा रही है तो इस बीच जीतने के लिए यहाँ करावे यानी कि नई मुंबई टीम को 30 गेंदों में 49 रन 49 का यह टारगेट है और 49 के टारगेट का पीछा करने के लिए सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। लेकिन वहाल के कप्तान किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, पहला मैंडेटरी पावर प्ले है और इस पावर प्ले के ओवर में 7 खिलाड़ी अंदर होते हैं और 2 खिलाड़ी बॉर्डर पर तैनात हो जाते हैं। ऐसे में कप्तान की रणनीति क्या है, कप्तान किसी को इस्तेमाल करेंगे, आरंभिक गेंदबाज कौन है और बल्लेबाजी का जो नेम प्लान है वो बना के मुंबई की टीम नई मुंबई की टीम मैदान के अंदर पहुंच चुकी। धनेश कड़ू और राजेश मात्रे जो दोनों बल्लेबाज है मैदान के अंदर उतर चुके। स्ट्राइक के ऊपर धनेश कड़ू, बाहर के खब्बू प्लेयर है और नष्ट कर एंड पे है राजेश मात्री। और गेंदबाज स्मित मीत 11 मोह और नांदगांव कप्तान को हम सूचना दे रहे हैं कि टॉस करने के लिए आ रही है मामला। लिखबाई का इशारा अंपायर चोरगे साहब की तरफ से और अतिरिक्त रनों के साथ यह देखा जाए तो खाता ओपन हो चुका है। स्कोर है करावे टीम का स्कोर 1। शानदार जानदार ये खूबसूरत आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं। उसराई ट्रॉफी यस हाँ, तो इस बीच गौदी उसराई ट्रॉफी 2023 का ये खूबसूरत आयोजन पहली रात और पूरी तरह से लोग अभी तक इस मैच का गवाह है। टेनिस क्रिकेट की सुंदर क्लियरिटी और पूरी तरह से इस बार देखा स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं
और ये मैदान भगवा में भगवा हो चुका है प्रतीक पाटिल। और ये उड़ाया, इस बार गेंद बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकती, अंदर ही मिडविकेट को पकड़ लिया। पहला झटका नई मुंबई करावी टीम को, स्कोर 1-1। मंडली की याद आ गई, श्रीकांत नारायण जी, अनंत पांचाल जी, शैला चिकले जी, इनका जो आवाज था वो काफी जबरदस्त था, संगीत विजय कठिन जी का था। और ये गाने सुनने के बाद हम कहीं पुराने जमाने में गए थे। डीजे मास्टर का हार्दिक स्वागत। वन रन वन विकेट नुकसान और नए बल्लेबाज संदीप मात्रे। संदीप मात्रे इस बार स्ट्राइक के ऊपर, गाउदी उसराय ट्रॉफी 2023 की पहली रात और लोग टकटकी के साथ देख रहे हैं। देखिए अगली बॉल, इस बार जोरदार हिट करने गए थे लेकिन इस बार यार रन का मौका इधर इधर और आउट लगता है अंपायर। क्या है? यस, अंपायर इस बार देखा जाए ऊपर आ चुके, तो आप टेनिस क्रिकेट की कसौटी है और पानी। हॅलो, तर टॉस इथे होणार आहे, मी परेशजी पाटील साहेबांना विनंती करेन, नॉट आउट, यस नॉट आउट, जास्त वेळ एकत्र येऊ नका। परेशजी पाटील यांना विनंती करतो, आपल्या पवित्र शुभ हस्ते टॉस केला जाईल, मोह विरुद्ध नांदगाव, आणि सामना 3 षटकांचा असेल। टॉस बॉक्समध्ये इथे टॉस होणार आहे आणि आपण वळूया सामन्याकडे, निर्णय आम्ही जरूर पोहोचवणार आहोत। यस, प्रतीक पाटील की अगली बॉल, वो स्लो ओवर आई, हाउ दैट अपील, और उंगली खड़ी हो गई है, इसी के साथ बल्ले का बाहरी किनारा लगा, विकेट नंबर दूसरा ड्रेसिंग रूम में चोर के सामने आउट करार दिया। टीम की परिस्थिति थोड़ी सी खराब बनी हुई है और पहले ओवर में प्रतीक पाटिल ने पूरी तरह से देखा जाए तो यहाँ करावे टीम को थोड़ा सा बैकवर्ड पर धकेल दिया है, क्योंकि पहला मैंडेटरी पावर पे रन बनने चाहिए लेकिन इस हालात में रन बने नहीं है, इस हालात में विकेट जा चुके, टीम का स्कोर है 2-2 विकेट के नुकसान पे। अब भारत के बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं धीरज, खूबसूरत शानदार ये मैदान और मैन ऑफ द सीरीज के लिए। इस बीच स्कूटी है और वो पेट्रोल की नहीं है, चार्जिंग वाली है, अच्छी बात है, और दो साइकिल भी है, क्या बात है, क्या छोटो, अभी तक दो गेंदे शेष। और इस बार अपील, उंगली खड़ी, लेग बिफोर विकेट के सामने, बैट्समैन आ रहे जा रहे, पहले के जमाने का गाना, तू चल मैं आया। जो इस बार देखा टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी थे उन्हें ही इस बार देखा जाए अपने झोपड़ी के अंदर भेज दिया है, तो इस बार नए बल्लेबाज मैदान के अंदर निलेश, जो 5 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके। करावे टीम का स्कोर है 2-3 विकेट के नुकसान पे,
फर्स्ट ओवर की अंतिम बॉल से और नए बल्लेबाज नीलेश मैदान के अंदर इस आखिरी गेंद का सामना करेंगे पहले मैंडेटरी पावर प्ले का। इस बार लोअर फुल्ड जरूर गेंद है, शॉट एक्स्ट्रा करोगे खेला शॉट, लेकिन फील्डर वहां मौजूद है, एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। तीन के घर में पहला ओवर खत्म हो चुका है और पहले ओवर के समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं तो करावे टीम का स्कोर है 3 लॉस ऑफ 3 विकेट के नुकसान पे फर्स्ट ओवर के बाद। चलते एक बार फिर से हिंदी कमेंट्री छोड़ के मराठी कमेंट्री लेके हमारे उभरते कमेंटेटर मनीष के पास। यस थैंक यू सर। जर विचार करायला गेला तर प्रतीकचं पहिलं षटक बंधनात षटक फेकलं प्रतीकनं की ज्या षटकामध्ये 3 धावा देऊन 3 सफलता मिळवल्या, जी गोलंदाजी वार संघाला हवी होती ना ते पॉवर प्ले तर षटक फेकलं प्रतीकनं, जिथे 49 धावांची गरज आहे पहिल्या षटकामध्ये आल्यात फक्त आणि फक्त 3 धावा, येणारे 24 चेंडू आणि गरज असेल आता 46 धावांची, इथून कुठला खेळाडू असा असेल की तो करावे संघासाठी तारणार ठरेल, तशी जी केली प्रतीकने केली होतं ना ती केली आता करावी लागेल। सांघिक दुसरं आपल्या कोट्यातील पहिलं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज घनश्याम पाटील, समोर फलंदाज असेल उभा निलेश। सांघिक दुसरं आपल्या कोट्यातील पहिलं षटक घेऊन जर विचार केलात ना आपण तर गावदेवी उसराई चषक 2023 ची आजची पहिली रात्र निश्चितच आयोजकांचं कौतुक करावं तेवढी तेवढं कमी आहे, कारण की नाईटची जर स्पर्धा भरवायची झाली ना तर त्यासाठी सवंगड्यांची 7 हवी असते आणि ती 7 सर्वांनी मुकेश दादा भकित यांना दिली आणि आज ही स्पर्धा आपणा सर्वांच्या भेटीस आली। सांघिक दुसरं आपल्या कोट्यातील पहिलं षटक घेऊन घनश्याम पाटील पंचांच्या उजव्या बाजूनं, समोर फलंदाज असेल तो म्हणजे निलेश ना निलेश, या विलेसचा चेंडू हाफ ट्रॅकर होता त्याला दिले उडवून, झेल होईल का, नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडला जातोय, त्याचवर मिळतील 2 धावा, या 2 धावसंख्येनं संघ पुढे सरकतोय तो म्हणजे 3-5 या धावसंख्येवर 5 धावसंख्या धावपळकर लागल्यात, इथून मात्र आता संघर्ष करावा लागेल, इथून मात्र मेहनत घ्यावी लागेल, कारण की जर या स्पर्धेमध्ये आपल्याला आपलं आधिराज्य जर टिकवायचं असेल ना तर इथून मात्र प्रहार प्रहार आणि प्रहार करावे लागतील। ते प्रहार कोण करतील, कुठला खेळाडू ते प्रहार करेल ते पाहायचं आहे की त्यांना कोणता गोलंदाज थांबवून ठेवेल ते देखील पाहणं गरजेचं असेल। यावेळेस गोलंदाज वापरला जातोय घनश्याम, ज्याच्या पहिल्या चेंडूवरती ठोकल्यात 2 धावा, पुढचा चेंडू घेऊन पंचांच्या उजव्या बाजूनं, यावेळेस चेंडू पुन्हा एक धाव ट्रॅकर होता, झेल खाली आकाश करणार नाही चुके, टिपला जातो झेल आणि इथे संपतोय फलंदाज निलेश याचा खेळ। चौथा आदरा बसतोय करावे संघाला, कुठेतरी बॅकफूटवरती नेऊन ठेवलंय पहिल्या 8 चेंडूमध्ये वाढ संघानं, कारण की भन्नाट गोलंदाजी पाहायला मिळाली ते म्हणजे गोलंदाज प्रतीक आणि घनश्याम याची, अगदी 8 चेंडूचा खेळ संपलाय, धावसंख्या धावपळ करायची ती म्हणजे 4-5 धावा, इथून मात्र आता आपल्या संघाला जर विजयाची जर विजय मला जर आपल्या अंगामध्ये घ्यायचे असेल ना तर इथून मात्र एका कोणातरी एका खेळाडूला इथून प्रहार करावे लागतील, इथून मात्र आपल्या संघासाठी लढावं लागेल, कारण की म्हटलं जातंय ना लहरून से डरकर कभी समुंदर पार नाही होती और कोशिश करणे वालों की कभी हार नाही होती, इथून मात्र स्वतःला सिद्ध करावं लागेल, कारण की जर तुम्ही स्वतःला सिद्ध केलं ना तर प्रसिद्ध आपोआप होत असतात। नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय अलंकार तांडेल की ज्याच्या नावाचा बोलबाला सातत्यानं राहिलाय तो अलंकार आपल्या संघासाठी तारणार ठरेल का ते पाहणं गरजेचं आहे। यावेळेसचा चेंडू जोरकस मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु चेंडू आणि बॅटचा काही संपर्क नाही, निर्धाव चेंडूचे होते सांगता, असं म्हटलं जातोय ना की जिथं मिलन नाही तिथे उत्पत्ती नाही, अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते ती गोलंदाज घनश्याम याचे, पुढचा चेंडू राऊंड द विकेटनं, यावेळेसचा चेंडू पळणानं कवरच्या गॅपमधून ढकलला, तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक आहे तैनात, एक धाव सहजरित्या पूर्ण केली जाते, दुसरी धाव रिस्की झाली असती परंतु एका धावेवर दोन्ही फलंदाज समाधान मानतात, या एका धावसंख्येनं संघ पुढे सरकतोय तो म्हणजे 4-6 या धावसंख्येवर, कुठंतरी संतांनी सावध सुरुवात करताना दिसतोय करावे संघ, परंतु करावे संघाला तर एकच सांगेन की इथून मात्र तुम्हाला फक्त आणि फक्त प्रहार करावे लागतील। यावेळेसचा चेंडू राखण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होतोय घनश्याम,
पुन्हा एकदा अकोटा पेता चेंडू तो पंचांकडं वाटची अपील केली होती, परंतु पंचांना अपील लावली फेटाळून निर्धाव चेंडूचे होते सांगता अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते ती म्हणजे गोलंदाज घनश्यामची. प्रतिज्ञाची गोलंदाजी केली ना मनीषी, ते तशी गोलंदाजी करताना दिसतो तो म्हणजे घनश्याम अगदी भन्नाड गोलंदाजी, कारण की एक षटक आणि पाच चेंडूचा खेळ संपलाय. धावसंख्या धावपळगती म्हणजे 4-6 धावा. यावेळेसा चेंडू पुन्हा एकदा अप्रतिम असाच चेंडू, चेंडूला क्षेत्र निवडलं ते म्हणजे कवर अन्य पॉइंटच्या मधून आणि चेंडूला पाठवून दिला सीमा रेषाबाहेर चौकार. तर बघा आमच्या आयोजकांना चावी सापडलेली आहे, रिक्षाची चावी आहे, त्याची ओळख पटवून आपण घेऊन जायचं आहे. येस, निश्चितच ज्याची कोणाची होती त्याला मिळाली आहे चावी. वाजवी 2 षटकांचा खेळ संपलाय, धावसंख्या धावपळकर आहे ती म्हणजे 4-10 धावा. इथून मात्र जर विचार केलात ना तर सांघिक तिसरं आपल्या कोठ्यातील दुसरं षटक घेऊन येतो प्रतीक, ज्यानं पहिलं षटक फेकलं होतं. पॉवर प्लेचं षटक कसं फेकावं त्याचं उत्तम उदाहरण आपण पाहिलं त्या मैदानावरती. त्या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 3 धावा दिल्या होत्या आणि 3 बहुमूल्य सफलता करव्या संघाच्या आपल्या कोट्यामध्ये मिळवल्या होत्या. तोच गोलंदाज पुन्हा एकदा करणाऱ्यांना प्रतीकवर विश्वास ठेवलाय, कारण प्रतीक या संघाचा अष्टपैलू खेळाडू आहे. अगदी पाहिलात ना तर बऱ्याच सामन्यामध्ये मी प्रतीकची फलंदाजी आणि गोलंदाजी पाहिली, भन्नाट कामगिरी या खेळाडूची गेल्या 2 ते 3 वर्षामध्ये राहिली. पुढचा चेंडू घेऊन यावेळेस चेंडू आडव्या बॅटनं मारलाय, तिथे मात्र चेंडू खाली आकाश आहे, करणार नाही चुकी, चेंडू आडवला जाईल, फेकला जाईल, तद्वर मिळेल फक्त आणि फक्त 1 धाव. या 1 धावसंख्येनं आम्ही सर तुमच्या भाषेत सांगायचं झालं ना तर आम्ही टुकूटुकू का खेळ नाही चलेगा, इधर ठाकमटोक करणार पडेगा, इथून मात्र प्रहार करावे लागतील. कारण की जर करावे संघाला या स्पर्धेमध्ये जर आपला अधिराज्य गाजवायचं असेल ना तर इथून प्रहार करावे लागतील. या सिंगल डबलनं काहीच होणार नाही, कारण की वार संघाला त्याचा फरक काहीच पडणार नाही, परंतु तेवढी ताकदीची गोलंदाजी पाहायला मिळते ती म्हणजे प्रतीक याची. पुढचा चेंडू ओर द विकेटनं, यावेळेस चेंडू बराच काल हवेमध्ये, फर्स्ट स्लिपमध्ये तिथे मात्र टिपला जातो झेल आणि ते संपतोय फलंदाज संदीप याचा खेळ. अकरा धावसंख्येत हापळकावर लागले. निश्चितच कुठंतरी करावे संघ बॅकफूटवरती जाताना दिसतोय. अगदी जर पाहिलं ना तर करावे संघाच्या त्या समर्थक एकच अपेक्षा करत असतील की जोपर्यंत अलंकार तांडेल मैदानामध्ये आहे ना तोपर्यंत या सामन्याचं चित्र आम्ही सांगू शकत नाही, कारण की अलंकार हा सामन्याचा एक तारणार आहे, या संघाचा अष्टपैलू खेळाडू आहे, कारण की अलंकारची गोलंदाजी प्रभावित करणारी गोलंदाजी राहिली या सामन्यामध्ये. परंतु इथून आता मात्र फलंदाजी करावी लागेल अलंकारला, कारण की आपला संघ अडचणीत आहे आणि या अडचणीतून सावरावं लागेल, पण तेवढी ताकदीची गोलंदाजी पाहायला मिळते ती प्रतीक याची. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये तो कुणाल तांडेल 7व्या क्रमांकावरती येतोय. यावेळेसचा चेंडू आकुटप्याचा चेंडू होता, चेंडू बराच काल हवेमध्ये आहे, चेंडू मात्र मिडऑफला फील्ड केला जाईल, तद्वर येईल 1 धाव. या 1 धावसंख्येनं संघ पुढे सरकेल तो म्हणजे 12 या धावसंख्येवर. येस, मैदानामध्ये पाणी न्यायचं आहे. तोपर्यंत आपण संधी देऊया आपल्या डीजे नितीन यांना. अगदी निश्चितच जर विचार केला तर अगदी 15 चेंडूचा खेळ संपलाय, 15 चेंडूमध्ये फक्त धावसंख्या धावपळकर होती म्हणजे 12 धावा. इथून मात्र आता मोठे फटके मारावे लागतील, कारण की जर जिंकायचं असेल ना तर इथून मात्र फक्त आणि फक्त प्रहार करावे लागतील. तर मित्रांनो, असं म्हटलं जातोय ना की क्रिकेटचा खेळ हा विश्वकर्त्याच्या अविरत धावणाऱ्या रथातील सर्वश्रेष्ठ अश्वावर आरूढ होण्याचा खेळ म्हणजे क्रिकेट. भावनांच्या उदानातील धुंद केवढा म्हणजे क्रिकेट. ज्या ज्या क्षणाला आमच्या डोळ्यांसमोर एखादा खेळ येतोय ना त्या त्या क्षणाला आमचं मन उद्विग्न न होता आम्ही सातत्यानं ज्या खेळाकडे बोलतोय तो खेळ म्हणजे क्रिकेट. जेवढं प्रेम आम्ही आमच्या प्रेयसीवर करतोय त्याहीपेक्षा द्विगुणित प्रेम आम्ही ज्या खेळावर करतोय तो खेळ म्हणजे क्रिकेट. आणि हाच क्रिकेटचा चित्तथरारकपणा घेऊन
आयोजकांना आयोजलेली स्पर्धा आहे आणि त्या स्पर्धेचं नाव आहे गावदेवी उसराई चषक 2023 चा हा दैदेतेमान 16 षटकातील पुढचा चेंडू। यावेळेस चेंडू लॉब केलाय, पूल पॉवरफुल सक्सेसफुल आमच्या समोरच्या कक्षाला मानवंदना देणार आहे, आलाय ब्रँडेड षटकार। या षटकाराच्या साईनं संघाची धाव संख्या झपाट्यानं वाढते, धाव संख्या धापलकर आहे ती म्हणजे 5 बाद 18 धावा। इथून मात्र अलंकार आपले इरादे स्पष्ट करतोय, कारण की अलंकार देखील आता सांगतोय होय आम्ही देखील या स्पर्धेमध्ये आमचं अधिराज्य गाजवणार आहोत, आणि ते अधिराज्य गाजवणारी फलंदाजी आता अलंकारच्या बॅटमधून येताना दिसते। अगदी मिडल ऑफ द बॅट घेतला आणि चेंडूला भिरकावून दिला, ते म्हणजे लॉंग ऑन सीमारेषेबाहेर षटकार। या षटकारानं आता अलंकार आपले इरादे स्पष्ट करताना दिसतोय, कुठंतरी प्रतिक्याला विचार करण्यास भाग पडले, कारण की बराच काळ शांत असणारा अलंकार आता इथून मात्र आक्रमक पवित्र धारण करतोय। पुढचा चेंडू प्रतिक्याचा ओवर द विकेटनं समोर असेल तो म्हणजे अलंकार, ज्याच्या बॅटमधला एक षटकार। यावेळेसचा चेंडू पुन्हा एकदा जोरकस मारण्याचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडू आणि बॅटचा काही संपर्क नाही, निर्धाव चेंडूचे होते सांगता कभी तेरी बारी तो कभी मेरी बारी, याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण मैदानामध्ये देताना दिसतोय तिथे गोलंदाज प्रतीक। 2 षटक आणि 5 चेंडूचा खेळ संपलाय, धाव संख्या धावपळकर आहे ती म्हणजे 5 बाद 18 धावा। षटकातील शेवटचा चेंडू असेल गोलंदाज प्रतीक याचा, इथून मात्र अलंकारला मोठे फटके मारावे लागतील। यावेळेसचा चेंडू पुन्हा एकदा जोरकस मारण्याचा प्रयत्न, परंतु यष्टीरक्षक करणार नाही, चुकी टिपला जातो झेल आणि ते संपतोय फलंदाज अलंकाराचा खेळ। अशा रीतीने 3 षटकांचा वाजवी खेळ संपला जातोय, 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या धापळकर लागली ती म्हणजे 6 गडी बाद 18 धावा। प्रतीक यानं 2 षटक फेकले, 2 षटकामध्ये 11 धावा कर्ज केल्या आणि तब्बल 5 सफलता मिळवल्यात। मित्र वार संघाला एकच विनंती असेल की जर प्रतीकाची गोलंदाजी आपल्याला आवडली असेल ना, तर एकदा जोरदार टाळ्या होत्या भन्नाट गोलंदाजी, कारण की जी गोलंदाजी वार संघाला हवी होती ना ती गोलंदाजी केली प्रतीकनं। सहा बाद 18 अशी धावसंख्या धावपळकर आहे। आता येणारे 12 चेंडू आणि गरज असेल ती म्हणजे 31 धावांची। या 31 धावा उभारण्यासाठी आता मात्र या दोन्ही फलंदाजांवरती विश्वास असेल तो म्हणजे करावे संघाचा, तो विश्वास साध्य करतील का। नवीन गोलंदाज मैदानामध्ये येतोय धीरज, धीरज याच्यावर करणाऱ्यांना विश्वास ठेवलंय, तो विश्वास साध्य करेल का ते पाहणं गरजेचं असेल। परंतु समोर उभा असेल फलंदाज कुणाल तांडेल, इथून मात्र आता कुणालांना अनिलला आक्रमक पवित्र धारण करावं लागेल, कारण की संघ अडचणीमध्ये आहे आणि या अडचणीतून सावरावं लागेल। विचार केला तर 12 चेंडूमध्ये गरज आहे ती म्हणजे 31 धावांची, आणि त्या 31 धाव उभारण्यासाठी या दोन खेळाडूंना आपल्या खांद्यावरती जिम्मेदारी घ्यावी लागेल। पहिला चेंडू ओवर द विकेटनं, यावेळेसचा चेंडू स्विच हिट रिव्हर्स झालाय सक्सेसफुल, चेंडू थांबणार नाही, चेंडू जाणार मैदानाला गुदगुल्या करत ओव्हर द रूप चौकार। या चौकाराच्या साह्यानं संघाची धावसंख्या झपाट्यानं वाढेल, धावसंख्या धापळकर लागेल ती म्हणजे 6 बाद 22 धावा। धीरजाच्या पहिल्या चेंडूवरती रिव्हर्स अटेम्प्ट केला, रिव्हर्स सक्सेसफुल झाला, चेंडू आला सीमारेषेबाहेर चौकार। या चौकारानं कुठंतरी आता कुणाल याचे इरादे स्पष्ट झालेत, इथून मात्र कुणालला अशा फटक्यांची गरज आहे, अशा फटक्यांची गरज आहे कराव्या संघाला, कारण की या सामन्यामध्ये आणि या स्पर्धेमध्ये जर आपलं अधिराज्य गाजवायचं असेल तर असे फटके येणं गरजेचं आहेत। यावेळेसचा चेंडू रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न होता, अगदीच चांगला चेंडू, पंचांकडं वाईटची अपील केली होती, पंचांना अपील फेटाळून लावली। या स्पर्धेचे क्वालिफाईड पंच निश्चितच सत्यवान काकडे सर मॅन फ्रॉम आदई, त्याच्यानंतर चोरगीत सर मॅन फ्रॉम बेलवली आणि गावंड सर मॅन फ्रॉम वाघिवलीवाडा, त्यांनी क्वालिफाईड पंच अगदी अगदी भन्नाट कामगिरी राहिली ती म्हणजे तिन्ही पंचांची। षटकातील पुढचा चेंडू असेल गोलंदाज धीरजाचा, यावेळेसचा चेंडू पुन्हा एकदा रिव्हर्स अटेंड करण्याचा प्रयत्न होता,
परंतु प्रयत्नांना मात्र आता अपयश येतोय. अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते गोलंदाज धीरजाची. अगदी जर विचार केलात नंतर पहिल्या चेंडूवरती रिवर्स अटेन करून चौकार आला होता, परंतु नंतरच्या दोन्ही चेंडूवरती कुणालनं रिवर्स अटेंड केला. यावेळेसा चेंडू पुन्हा एकदा रिवर्स अटेंड, परंतु इथे मात्र पंचांचा इशारा येणं गरजेचं असेल. लेगबॅकच्या स्वरूपात मिळेल ही एक धाव. या एका धावसंख्येनं संघ बऱ्याच उशिरानंतर का होईना पुढे सरकतोय. तो 23 या धावसंख्येवर 23 धावसंख्या धावपळ करू लागले. या षटकातील उर्वरित दोन चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. जी गोलंदाजी प्रतिज्ञा केली ना त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून मग घनश्याम असेल तदनंतर धीरज असेल गोलंदाजी करताना दिसत आहेत. यावेळेसचा चेंडू धीरज याचा ओवर द विकेटनं. यावेळेस चेंडूवरती केलाय प्रहार. एक क्षेत्ररक्षक येणार, चेंडू मात्र अडवला जाणार, फेकला जाणार. तदवर मिळेल फक्त आणि फक्त एक धाव. या एका धावसंख्येनं वार संघाला काहीच फरक पडणार नाही, कारण की त्यांना माहिती आहे आपल्याजवळ धावा भरपूर आहेत. एकेरी दुहेरीने काहीच होणार नाही. इथून मात्र मोठे पटके मारावे लागतील ते म्हणजे करावे संघाच्या खेळाडूंना. ते मोठे पटके कुठल्या बॅट फलंदाजाच्या बॅटमधून येतील ते पाहणं गरजेचं असेल. षटकातील उर्वरित शेवटचा चेंडू गोलंदाज धीरजाचा ओवर द विकेटनं. यावेळेसा चेंडू पुन्हा एकदा रिवर्स अटेंड. पंचांकडे जोरदार अपील. पंचांना अपील उचलून धरली. फलंदाज होईल लेल बी डब्ल्यू स्वरूपात बाद. निश्चितच सहा चेंडूंनी गरज असेल 25 धावांची. सांघिक पाचवं आपल्या कोट्यातील पहिले षटक घेऊन गोलंदाज गोलंदाजी मार्गवर सजवतोय आकाश घरत. डावखुरी हाताचा गोलंदाज की ज्याच्या गोलंदाजीनं अनेक फलंदाजांना आपल्या बोटावरती नाचवलंय त्या गोलंदाजावरती आता करणाऱ्यांना ठेवला विश्वास. जिथे गरज आहे सहा चेंडूंनी 25 धावांची. पहिला चेंडू आकाशाचा. यावेळेसचा चेंडू हलक्या हातानं दिशा दिली. चेंडू मात्र लॉंग ऑफला फील्ड केला जाईल. तद्वर मिळेल फक्त आणि फक्त एक धाव. या एका धावसंख्येनं संघ पुढे सरकतोय 25 या धावसंख्येवर. पाच चेंडू आणि गरज असेल 24 धावांची. चार मोठे फटके येणं गरजेचं असेल ते म्हणजे करावे संघासाठी. ते चार फटके येतील का की त्यांना रोखण्यामध्ये यश येईल गोलंदाज आकाश याला. पुढचा चेंडू यावेळेसचा चेंडू अप्रतिम असा चेंडू. गुटलेन स्पॉटवरती चेंडू टप्पा पडल्यानंतर अगदी चेंडूनं उचली दिली. फलंदाजाला चेंडू संभवला नाही. यष्टीरक्षक आपलं काम चोख पार पाडतोय. निर्धाव चेंडूचे होते सांगता. आता येणारे चार चेंडू आणि गरज असेल 24 धावांचे. चारही चेंडूवरती मोठे फटके मारावे लागतील. यावेळेसचा चेंडू पुन्हा एकदा हलक्या तणा दिशी. चेंडू मात्र लॉंग ऑफला फील्ड केला जाईल. डायरेक्ट हिट झालाय. पंचांकडे कुठल्याही प्रकारचे पंच मात्र बोलायला आहेत आमच्याकडे. तिसऱ्या पंचांची केली जाते माग. तर चला इथे फलंदाज होईल धावबाद.
तीन चेंडू 23 धावांची गरज आहे. षटकातील पुढचा चेंडू असेल गोलंदाज आकाशाचा. ज्यावेळेस रिवर्स अटेम्प्ट केलाय, रिवर्स झालाय सक्सेसफुल, चेंडू थांबणार नाही, चेंडू जाणार चौकार. तर चला मैदानामध्ये चेंडू द्यायचा आहे. निश्चितच या सामन्यामध्ये अगदी औपचारिकता शिल्लक राहिले, उर्वरित दोन चेंडूचा खेळ बाकी आहे. यावेळेस चेंडू पुन्हा एकदा चेंडूला दिलाय भिरकावून, वन बाउन्स चौकार. हे फटके अगोदर यायला पाहिजे होते करावे संघासाठी, परंतु अगदी पहिले जर षटक पाहिलं ना प्रतीकचं, तर त्या षटकामध्ये कुठंतरी रोखून ठेवलं होतं, कारण की त्या षटकामध्ये 3 धावा देऊन 3 सफलता मिळवल्या होत्या. तिथून मात्र घनश्यामची गोलंदाजी, पुन्हा एकदा प्रतीकची गोलंदाजी, नंतर धीरज आणि आता आकाश अगदी प्रतीकच्या पावलावर पाऊल ठेवून गोलंदाजी करताना दिसत आहेत. या विलेसचा चेंडू, इथे मात्र निर्धाव चेंडू जे होते सांगता, अशा रीतीने इथे मात्र वार संघ विजय होतोय. विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन. तर पराभव होणाऱ्या करावे संघाला पुढील स्पर्धांसाठी आमच्या पॅव्हिलियन बॉक्सच्या वतीनं खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर या सामन्याचा सामनावीर असेल नो डाऊट की ज्यानं या स्पर्धेमध्ये फलंदाजी करत असताना उभारल्या 30 धावा आणि गोलंदाजी करत असताना 5 विकेट घेणारा अष्टपैलू खेळाडू ठरलाय या सामन्याचा सामनावीर प्रतीक पाटील. विनंती असेल प्रतीक याला की आपण याच आहे आणि आपला मॅन ऑफ द मॅचचा किताब घ्यायचा आहे. जशी पुढच्या सामन्याला होईल सुरुवात तसा आवाजामध्ये असेल बदलाव. विनंती असेल मी मायक्रोफोनवरती अमितजी म्हात्रे सरांना. तर त्याला मोहसंघ आपला डिसिजन कळवायचा आहे. मोहसंघानं फलंदाजी घेतली तर त्याला नांदगाव संघ आपण क्षेत्ररक्षणासाठी उतरायचं आहे. चला हस्तांदोलन करून आपण लगेच मैदान सोडायचं आहे. चला नांदगाव संघ प्रतीक उद्धार आपण लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे. मौ संघ आपण देखील त्वरित आपली सलामीची जोडी मैदानात पाठवायची आहे. दुसऱ्या फेरीतला हा पहिला सामना, एकी बाजूला मोह